हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल रिस स्टॉक्स। तो जैसे आपको पता ही कि मैं आपको न्यूज़ के साथ अपडेट रखता हूँ, स्टॉक्स के साथ अपडेट रहता हूँ, तो आज फिर मैं एक वीडियो अगेन लेके आया हूँ यस बैंक के ऊपर। तो मैंने लास्ट वीडियो जो सबसे पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि ये स्टॉक 300 या 280 के प्राइस पे जा सकता है, आप उस पर बाय करो। तो उस पर तो मुझे बहुत सारे लोगों ने गालियाँ दी थी और मैं सच बोलूँ तो झूठ क्या बोलूँ इस बात पे। फिर उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो बनाई जब 29% का इसके ऊपर जो लो बन गया था, 29% लो गया, तो उस पर ही मैंने लोगों को ये बोला था कि आपको लग सकता है कि आपके सामने एक मल्टी बैगर की तरह दिख रहा हो ये स्टॉक, आपको ऐसा हीरे की तरह स्टॉक दिख रहा हो कि आज इस पर पैसा लगा लो तो अपनी जेब पैसों से भर जाएगी। तो मैंने उस वीडियो में भी आपको बोला था कि मार्केट पैनिक चल रहा है, मार्केट के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस है, मार्केट करेक्शन के ऊपर चल रहा है, जिस तरह से रुपया नीचे गया, पेट्रोल ऊपर गया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। चाहे आप चाइना अमेरिका की ट्रेड वॉर की बात कर लो, तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स एक साथ चल रहे हैं जिसके कारण मार्केट में करेक्शन चल रहा है। और इसी करेक्शन के बीच जो मिस्टर राणा कपूर का एक्सटेंशन जो आरबीआई ने डिसअप्रूव कर दिया, अप्रूव नहीं किया इस चीज़ को, उनको 3 साल का कार्यकाल आगे नहीं करने दिया, तो इसका इतना बड़ा रिएक्शन मिला कि यस बैंक क्या बताऊं सीधा आसमान से जमीन के ऊपर आ गया। तो तब भी मैंने बोला कि आप अभी पैनिक मार्केट चल रहा है, लोगों के अंदर एक डर बैठ गया, ब्लैक फ्राइडे नाम से न्यूज चैनल ने उसको प्रमोट किया। इवन डैट 2008 के जो मार्केट क्रैश है लेमन ब्रदर, उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया। तो इन चीजों में देखो आम इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर के दिल में डर बैठता है तो सेलिंग करना शुरू कर देता है। तो अब सेलिंग होती तो इस टाइम का आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, मैंने ये तब बोला था। तो मैंने फर्दर आपको ये भी बोला था कि तो देखो वही बात हुई, यार स्टॉक फिर नीचे आ गया। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ, तो 219 के ऊपर आ गया, बताओ। तो ये स्टॉक और नीचे आ गया, मैंने बोला था कि आप थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस से चलिए अगर आप गुड इन्वेस्टर बनना चाहते हो। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट एक्शन जो आपने लेना कि आपने कि 25 सितंबर को 25 सितंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उस पर भी डिपेंड करेगा कि अब बैंक आगे क्या डिसीजन लेता है। वैसे देखो मिस्टर राणा के जो कार्यकाल खत्म होने पे और उनको आगे एक्सटेंशन ना मिलने से इस बात पे जितना करेक्शन आना था वो तो आ ही चुका है। अब जितना लॉस होना था यस बैंक को हो चुका है, अब इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। ये हो सकता है कि 200 लेवल्स पे चला जाए, 180 के लेवल्स पे तो चलो मुश्किल है, 200 लेवल्स पे चला जाए या 180, इससे नीचे नहीं जाएगा। देखो बैंक तो अब खत्म नहीं होने वाला, ऐसा तो है नहीं कि इस बैंक न्यूज का इतना बड़ा रिएक्शन निकलेगा कि बैंक ही खत्म हो जाए। तो एक अच्छे लेवल करेक्शन पे ये स्टॉक आ चुका है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की नजरिए से अगर देखा जाए तो ठीक लेवल्स पे आ चुका है, बाकी जितना रिएक्शन मिलना था मिल चुका है। अब इससे ज्यादा पैनिक क्या हो सकता है वो अब इस न्यूज की तरफ आते, जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था कि 25 सितंबर को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई तो उसका क्या, तो ये न्यूज आपके सामने ला रहा हूँ। यस बैंक बोर्ड सीक्स एक्सटेंशन फॉर राणा कपूर फॉर सर्च पैनल। तो अभी यस बैंक की तरफ से एक्सटेंशन ही मांगा गया है, तो आप ज्यादा खुश मत होना, एक्सटेंशन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं मांगा गया है जो यस बैंक की तरफ से। तो आपको पूरी न्यूज बता देता हूं। तो इन्होंने क्या किया कि 5 मेंबर्स का पैनल बिठाया था, देखो एक मीटिंग जो हुई थी उसमें इनके 5 मेंबर्स बैठे थे, जो 3 मेंबर्स यस बैंक के थे और 2 मेंबर्स जो आउटसाइड थे। तो समझे 5 मेंबर्स की मीटिंग हुई, 3 मेंबर्स तो यस बैंक से ही थे और 2 मेंबर्स इनके बाहर से थे। तो आपको न्यूज की थोड़े हाईलाइट कर देता हूँ। 5 मेंबर्स पैनल इंक्लूडिंग 2 मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड द बैंक टू फाइंड द सक्सेसर फाउंडर सीईओ राणा कपूर। तो इन्होंने सीधा सीधा बोला कि 2 पर्सन ऐसे आए थे मीटिंग में जो बैंक के बाहर से थे और जो हेल्प करेंगे सक्सेसर ढूंढने में। और इस न्यूज में इन्होंने स्पेशल ये भी लिखा कि हम रिवील नहीं करेंगे कि वो कौन से 2 पर्सन थे, उसके बारे में नहीं बताएंगे। तो अब बताते हैं कि इन्होंने क्या मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकल के आता है। द बोर्ड हैज रिक्वेस्टेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ग्रांट एन एक्सटेंशन राणा कपूर सितंबर 2019। तो एक्सटेंशन देखो जो यस बैंक क्या करेगा, आरबीआई से एक्सटेंशन मांगेगा
कब तक की मांगेगा? सितंबर 19 तक की। देखो पहले जैन तक तो मिल ही रही थी, तो ज्यादा से ज्यादा इन्होंने 6 months और मान लिए, तो सितंबर 19 तक इन्होंने की एक्सटेंशन मांगी है। सो डैट की अपने जो पेंडिंग वर्क, इनके ऑडिट फाइल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, जो भी इनका काम पड़ा है 2009, वो कंप्लीट हो जाए। और उन्होंने बोला कि तब तक ये कंपनी के लिए सक्सेसर भी ढूंढ लेंगे, तो इन्होंने टाइम मांगा है कि अपने सक्सेसर्स को ढूंढ सकें और अपने जो छोटे मोटे काम पड़े बैंक को कंप्लीट कर सकें। तो इनकी मीटिंग से तो ये निष्कर्ष निकल के आता है, जो मिस्टर राणा कपूर है वो ज्यादा देर तो इस बैंक में नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। तो यही निकल के आता है, ज्यादा से ज्यादा सितंबर तक रहेंगे, 3 साल तक तो नहीं रहेंगे। तो देखो जितना करेक्शन होना था हो गया, अब इसके बाद तो सक्सेसर आएगा। और अभी नाउ द टाइम उन्होंने जो एक और जो छोटा सा मीटिंग के अंदर निष्कर्ष निकाला, जो रिक्वेस्ट करेंगे वो द सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट मिस्टर रजत मोंगा एंड द प्रले मुंदल एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो इन्होंने और बोला कि जो ये दो पर्सन है, रजत मोंगा और प्रले मुंदल, इनको एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम करनी करें, शो इंश्योर अ लॉन्ग टर्म सक्सेशन प्लान विद यस बैंक, सो डैट कि वो अपने जो सक्सेशन प्लान चल रहा है इनका, आगे सक्सेसर लाने का, वो कंप्लीट कर सके। तो ये दो बातें इनकी मीटिंग से निकल के आई जो ये इंप्लीमेंट करेंगे। तो आप इस न्यूज का क्या मतलब निकालोगे? सीधा सीधा मतलब ये निकलता है, देखो अब राणा कपूर तो जा ही रहे हैं मीटिंग से, और ये आरबीआई से रिक्वेस्ट भी करते, अगर बोलते कि हम 3 साल की रिक्वेस्ट करते तो समय में आता कि चलो आरबीआई सोचता कि हाँ यस बैंक के अंदर बहुत ज्यादा करेक्शन आ गया है राणा कपूर की वजह से, इनको थोड़ा समय देना चाहिए सो डैट की बैंक की कंडीशंस आ जाएं। लेकिन जो एक्सटेंशन ज्यादा बड़ा नहीं मांगा गया, फिर भी इतना मांगा गया कि जो भी स्थिति है इस बैंक की सुधर सके। तो देखो पहली बात तो है, जो भी करेक्शन होना था हो गया, एक लेवल्स पे आके, अब लेवल्स आपके सामने दिखा देता हूं, 219 के प्राइस के ऊपर बीएससी एनएससी दोनों पर ही 219 के लेवल्स पे आ चुका है। तो अगर आप देखो लोगों का कॉन्फिडेंस, बाइंग सेंटिव तब भी 77% चल रहा है, लोग अभी पूरे कॉन्फिडेंट नहीं है। एनएससी के ऊपर लेके आता हूं, देखो 220 की क्लोजिंग दिखा रहा है, ठीक है, क्लोज प्राइस 219 आ रहा है, ठीक है। तो आज जो प्री क्लोज प्राइस 226 था, इससे पहले 226 पे था, ओपन प्राइस 230 का निकल के आता, 230 के ऊपर गया, थोड़ी सी इसने ओपन होते छलांग लगाई, फिर हाई इसने 238 का बनाया था, ठीक है। तो अपने प्राइस से थोड़ा सा काफी ऊपर गया था, 3-4% तक इसने हाई बनाया आज। फिर उसके बाद देखो इसने 52 वीक लो भी बना दिया 197 का। तो 197 से जो समझ में आता है कि स्टॉक ने आज 200 का जो अपना नंबर से 200 के लेवल्स को तोड़ के नीचे चला गया। तो 198-197 तक जाने का मतलब ये है कि ये स्टॉक अगर 200 के लेवल्स पे चला जाता है तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। और इसने ये भी दिखा दिया कि ये क्षमता रखता है, अब क्षमता तो वैसे अच्छे कामों के लिए बोला जाता है, मैं यही यूज कर रहा हूं। तो ये कोई प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकता है कि ये 219 से करेक्ट होके 200 लेवल्स द 190-197 के लेवल्स पे जा सकता है ये स्टॉक। तो आई थिंक ये 200-180 का लेवल इसका एक स्पोर्ट लेवल होगा, ठीक है, 200 का भी इसका स्पोर्ट लेवल ही है समझ लो। अगर इससे नीचे जाता है तो फिर तो डिस्टर्बेंस वाली बात होगी, आप इसमें अपना माल बेच के निकलने वाली बात होगी, होल्डिंग का मतलब नहीं बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आके रुक जाता है और इससे आगे बाउंस बैक लेना शुरू करता है, तो वैसे तो ये अच्छे लेवल करेक्शन 200 पे भी आ जाता है तो आप इसमें अच्छा खासा माल खरीद के रख सकते हो, तो आगे जाके प्रॉफिट देगा। नाउ द टाइम 219 के लेवल्स पे भी माल खरीदा जा सकता है क्योंकि अच्छे लेवल्स, तो आप इसमें क्या कर सकते हो? तो अगर तो आप देखो इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म अपना लेके चलते हो, लंबे समय की अवधि का लेके चलते हो, तो आप अभी इसमें थोड़ा माल खरीद सकते हो। जैसे 200 स्टॉक बाय करने तो 100 अभी खरीद सकते हो, 100 स्टॉक आप 200 के लेवल, 100 के आप 80 स्टॉक खरीद लो, थोड़े से स्टॉक आप 210 के लेवल्स पे जाता तो खरीदो, अगर 200 के लेवल्स में जाता तो फुली स्टॉक खरीद के रख लो, फिर तो आपको आगे जाके पैसा ही कमाना है इससे। क्योंकि इस बैंक के देखो जो इसके बैंक की परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल में काफी अच्छी रही है, फंडामेंटल्स अच्छे रहे हैं, वो आपको दिखा देता हूँ इनकी जो ग्रोथ, आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के ऊपर ले चलता हूँ इसके, तो फाइनेंशियल्स के ऊपर इनका आपको तो फाइनेंशियल के ऊपर क्वार्टर रिजल्ट्स के ऊपर लेके आए, तो आप क्वार्टर रिजल्ट्स सीधे सीधे आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर दिया क्वार्टर रिजल्ट्स आप देखो। तो जैन 17 में 965 करोड़, सितंबर 17 में 1000 करोड़,
दिसंबर 17 में 1076 करोड़, नाउ द टाइम 1260 करोड़। तो अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर इनका रिजल्ट देखो, क्वार्टर टू को तब भी ग्रोथ मिल रही, ईयर ऑफ ईयर देखो तब भी ग्रोथ 965 से सीधा 1260 करोड़ का इन्होंने जो प्रॉफिट निकाला आफ्टर टैक्स। तो इनकी बैंक की ग्रोथ अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है बैंक, तो ये ऑल ओवर एक अच्छा स्टॉक है। बस एक न्यूज और गिरते हैं मार्केट में, इनके ऊपर एक बैड न्यूज आ गई, तो इस बैड न्यूज का डीप पेनिट्रेशन इसके ऊपर हुआ जिसके कारण ये स्टॉक इतना नीचे आ गया। तो एक अच्छे लेवल्स पे पहुंच रहा है, 200 के लेवल्स में जाता तो आप बाइंग कर सकते हो, अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो। तो नाउ द टाइम मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप इस पे बाइंग करो, आप इसमें क्या कर सकते हो, थोड़ा सा माल लेके रख सकते हो, बाकी आप थोड़ा माल लेने के बाद इसके ऊपर नजर रखो कि मार्केट जो इन्होंने मीटिंग की है उसका क्या रिस्पॉन्स निकल के आता, मार्केट इस चीज को क्या रिएक्शन देती है उनकी मीटिंग का। तो अगर उसके बाद ये थोड़े से अप्स लगाना शुरू करता, अपसाइड जाना शुरू करता तो और माल उठा सकते हो। अगर लो जाएगा तो आई थिंक 200 के लेवल्स पे ही जाएगा या 180, तो चलो बहुत ही अच्छा लेवल आ जाएगा। फिर इतने अच्छे स्टॉक को खरीदोगे तो फिर मना ही नहीं करोगा, तो कोई भी होगा कोई भी सभी माल उठा लेंगे इसके ऊपर, तो आप भी उठाने से पीछे ना हटे। तो ये इसके स्थिति, तो जो आपको ट्रेडिंग देख लेते कितनी ट्रेडिंग हुई है, लगभग 11 करोड़ स्टॉक्स देखो ट्रेड हुए हैं, 2 करोड़ 75 लाख लगभग डिलीवर हुए हैं और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी निकल के आती 25%, तो 25% स्टॉक्स की डिलीवरी हो चुकी है। तो बिजनेस तो इसमें अच्छा निकल के आ रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है। तो बाकी लो जो इसने बनाया 197 का, तो ये एक आप एक इंडिकेशन लेकर चलो दिमाग के अंदर कि ये स्टॉक अभी और नीचे जा सकता है, तो आपको अभी भी इसके अंदर संभलने की जरूरत है। क्योंकि अभी जो वैसे तो गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे स्टेप्स ले लिए, जैसे नॉन एसेंशियल थिंग्स है उनके इंपोर्ट के ऊपर रोक लगाने की कोशिश है, आगे जाके आरबीआई सभी बैंक्स के साथ मीटिंग करने वाला है किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तेल की कीमतों को कम करने के लिए स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो जिस तरह से पैनिक हुआ मार्केट करेक्शन लेवल पे, हो सकता है कि आने वाले 10-15 दिन में ये पैनिक जो पेन है वो खत्म हो जाए, तो ये रिवर्सल मोड में जा सकता है ये स्टॉक। जब ये रिवर्सल मोड में जाएगा तो अच्छा पैसा कमा के देगा। तो अभी भी मैं आपको कहता हूं अगर आपके पास पैसा है तो लगा सकते हो, नाउ द टाइम जिस तरह से 197 के ऊपर गया तो आप वेट भी कर सकते हो, ये और नीचे थोड़ा सा जा सकता है और उस लेवल्स पे बाय करने पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये इसकी करंट स्थिति थी, तो आप ये वीडियो पॉज करके आप इसका ओपन क्लोज हाई लो देख सको, सो डेट को आपको क्लैरिटी हो जाए। और इसने अपना 52 वीक लो भी बना दिया 197 का, तो ये एक बहुत बुरी बात निकल के आती है स्टॉक के लिए। अब चार्ट के ऊपर आते हैं, तो आज का चार्ट आपके सामने है। तो जब ये स्टॉक ओपन हुआ तो बहुत ही अच्छी स्थिति में ओपन हुआ, तो बहुत अच्छी पोजीशन बनाकर चल रहा था, इवन दैट इसने 4% तक के रिटर्न्स भी दिखाने शुरू कर दिए थे, पॉजिटिव अपवर्ड अपसाइड दिखाना शुरू कर दिया था, 237 के तक की गया। लेकिन 1:30 बजे जाके इसके अंदर देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी और सीधा ये बेचारा स्टॉक 227 से कहां जाके इसने लो बना दिया 197 के ऊपर 198 के। तो उसके बाद ये संभला, थोड़ा सा करेक्शन करते करते ये 220 और 219 के लेवल्स पे क्लोज हुआ। तो आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन पूरी मत करो, थोड़ी सी करो। लेकिन जिस तरह का पैनिक मार्केट चल रहा है, लोग डरे हुए हैं, लोगों के दिल में डर बैठा है, तो उस कंडीशन में ये और नीचे जा सकता है, आपको थोड़ा सा सब्र और रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर अच्छा मुनाफा चाहिए, देखो थोड़ा स्टॉक बाद में महंगा भी हो जाए खरीद लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन और नीचे चला जाएगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हो नाउ द टाइम, बाकी आपकी अपनी खुद की समझ है आप कैसे। बाकी आप सबसे पहले काम तो आपने कल ये देखना, आप सीधी बाइंग मत करना कल, प्लीज रिक्वेस्टेड आप ये देखना कि जो ये न्यूज निकल के आई है बोर्ड मीटिंग की, इसका रिस्पॉन्स क्या निकालते हैं पब्लिक, इसके ऊपर रिएक्शन क्या आता पब्लिक का, उस हिसाब से देखना, 2 दिन की चाल देखना, तो आप इसमें एज ए लॉन्ग इन्वेस्टर कर सकते हो। बाकी इंट्राडे के ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि चार्ट भी इसका कुछ नहीं बता रहा है, इंट्राडे के मामले में सब जो टूल्स फेल हो रहे हैं, कुछ सही तरीके से निकल के नहीं आ रहा, तो उसके मामले में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन लॉन्ग टर्म के मामले में ये स्टॉक एक आपके लिए अच्छा स्टॉक, अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है नाउ द टाइम। पहले तो मैं बोल रहा था कि आप इसको मत बाय करो, क्योंकि उस समय ये 334 के लेवल पर था, मैंने बोला था 280 या 260 या 300, लेकिन ये तो सारी हदें पार करके 220 पे आ गया। तो ये एक वीडियो था, लेकिन लास्ट में जाते जाते एक फैक्ट भी बता देता हूँ। तो आरबीआई ने मिस्टर रानकपुर को क्यों हटाया, न्यूज चैनल्स क्या बता रहे हैं इसको, मैं पहले न्यूज चैनल्स की बात कर लेता हूं। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं न्यूज चैनल, तो उसमें ये आ रहा था कि रानकपुर जी ने 200 करोड़ की कोई दिल्ली के नियर अबाउट प्रॉपर्टी खरीदी 200 करोड़ की, तो उसको लेते हुए इस बात को चलते 200 करोड़ की उन्होंने प्रॉपर्टी बाय की, इस बात को चलते हुए मिस्टर रानकपुर को जो एक्सटेंशन नहीं दिया गया।
तो और दूसरा आरबीआई ने उनको बोला कि आप अपनी जो स्टेक है यस बैंक के अंदर कम करो लगभग 11% के ऊपर, ये टोटल फैमिली का स्टेक है वाइफ और इनका, तो उनको आरबीआई ने ये भी बोला कि आप अपना स्टेक कम करो यस। तो ये बात निकल के आ रही थी मार्केट में, अब न्यूज कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई, जो जैसे न्यूज चैनल पे उड़ती उड़ती मैंने सुनी कि हो सकता है आरबीआई उनको एक्सटेंशन देने पे विचार कर सकता है, दोबारा उनको सीट के ऊपर बिठा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो मिस्टर राणा कपूर ने 200 करोड़ प्रॉपर्टी का एक जो उनको देना था स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया, उन्होंने बताया कि अगर वो स्टे कम करेंगे उनके पास पैसा आएगा, उस पैसे का कुछ तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उस पैसे से उन्होंने 200 करोड़ ऐसा ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो ऐसी न्यूज निकल के आ रही। तो इस कारण ये भी निकल के आ रहा है कि शायद उनको एक्सटेंशन मिल जाए, तो अगर एक्सटेंशन मिलती है तो फिर तो माल खरीदने में आपने सोचना ही नहीं है। लेकिन दूसरी बात कि आरबीआई क्या इस छोटी सी बात पे उनको कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, अब देखो 200 प्रॉपर्टी हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन जो ऐसे बंदे जो बैंक चला रहे जिनके पास अनलिमिटेड मनी है, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 200 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदना। तो क्या आरबीआई ने इतनी छोटी सी बात पे इनको साइड पे कर दिया, इन छोटी सी बात को लेकर अप्रूव नहीं किया? क्या ऐसा तो नहीं कि इस बात के पीछे कोई बड़ी बात छुपाई? देखो किसी न्यूज चैनल ने इस पे ऊपर बात नहीं की कि इनका जो 2 साल से इन्होंने जो एनपीए की जो नंबर्स है वो कम शो किए हैं, जो बैड लोन्स की अमाउंट है वो इन्होंने कम शो किया एज कम्पेयर टू आरबीआई। आरबीआई के सामने जो आंकड़े उनके पास एनपीए के वो ज्यादा है, लेकिन यस बैंक 2 साल से कंसेक्यूटिव 2 ईयर से जो कम शो करता आ रहा है, तो इस बात के ऊपर न्यूज चैनल फोकस नहीं कर रहे, बस इस बात को सामने लाया जा रहा है। तो इससे छोटा सा ये भी निकल के आता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेम है कि इस बैंक के अंदर भी कुछ मैनेजमेंट जो कुछ बातें छुपा रही है, कुछ बुरा चल रहा है इस बैंक के अंदर जो बाहर नहीं आ रही? क्या इस बात के ऊपर अगर ये बात में सच्चाई निकलती तो इसके अंदर करेक्शन और आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है? तो बाकी देखो इन चीजों का प्रूफ तो नहीं है, कोई निकल के नहीं आ रहा है। मैंने तो जो टेक्निकल्स जो फंडामेंटल जो इसके लो हाई बना रहे उसके भी आपको सजेशन दिया है, बाकी अगर इस बात में कोई सच्चाई निकलती है कि इन्होंने 2 ईयर्स में एनपीए में गड़बड़ की है, तो इस स्टॉक के लिए बहुत बुरी न्यूज होगी, बहुत नीचे जाएगा। और अगर मैनेजमेंट इस बात को छुपा रही है तो और भी बुरा जाएगा। तो हो भी सकता है कि इस बात से डर रहे हो कि मिस्टर रणकपुर मार्केट में जाएंगे तो उनकी बात बाहर आ सकती है, इसलिए वो ज्यादा रणकपुर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर ये बातें भी सच होती तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। तो बाकी नाउ दैट आई पॉजिटिव परस्पेक्टिव से जो वीडियो बनानी थी वो मैंने बना दी है। बाकी देखो मेरे से ज्यादा आप स्मार्ट हो, आप ज्यादा समझते हो, चार्ट आपके सामने है, 5 दिन का आप देख सकते हो कि कहाँ ये स्टॉक था कहाँ पे आ गया। तो बाकी आप अपनी समझ भी लगाओ, पैसा भी समझ से लगाओ, सबर के साथ खेलो। ये पैनिक मार्केट है, पैनिक मार्केट में देखो जो भी एक प्रॉफिट कमाने का सीधा सीधा मंत्र है, देखो माल तब बेचा जाता है अब प्रॉफिट में हो, अच्छे उछाल में हो, गिरावट में नहीं बेचा जाता। अगर आपके पास आया तो होल्ड करो, अभी अब इतना लो सह लो, थोड़ा और सह लो, तो आप होल्ड करो, सबर करो, ये उछाल आएगा तब निकलो, नहीं निकलना तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा। बाकी आप भी समझदार हो, गुड डिसीजन मेक करते हो, अच्छे करते रहोगे, और मैं कहूँगा गॉड आपके डिसीजंस को जो अच्छी वो दे, ब्लेसिंग दे। बाकी प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू गाइज।